विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में निकाली गई युवा संघर्ष यात्रा का आज समापन है, जिसके चलते यात्रा के अंतिम चरण को आज अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार का जन्मदिन भी है, जिस अवसर को साधते हुए आज युवा संघर्ष यात्रा के समापन सभा का आयोजन किया गया था, जहां इस यात्रा के अंतिम चरण को अंजाम देते हुए यह यात्रा नागपुर स्थित जवाहर विद्यार्थी सभागृह से निकलकर समापन सभा स्थल जीरो माइल तक पहुंची, जहां समापन के अवसर पर कृषि संस्कृति को प्रतीत करती हुई बैलगाड़ी भी इस अवसर पर दिखाई गई, तो वहीं आदिवासी लोक संस्कृति की झलक भी नृत्य द्वारा प्रस्तुत की गई। युवा संघर्ष यात्रा निकल रही थी कि खबर सामने आई कि रोहित पवार समर्थकों को पुलिस ने अड़ाया है, उनकी गाड़ी रोकी गई, जिसके चलते विधायक रोहित पवार ने संबंधित अधिकारियों से बात की, जिसकी जानकारी उन्होंने पत्रकारों से साझा की। दर्शकों, राष्ट्रवादी के विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में निकली युवा संघर्ष यात्रा आज समापन की ओर बढ़ रही है और आज नागपुर में आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नागपुर शहर के अध्यक्ष धुनेश्वर फेटे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, जिनसे हम जानेंगे 800 जो है किलोमीटर पूरी करके युवा संघर्ष यात्रा आज नागपुर में आई है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? अभी जो जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सत्ता चालू है, इन्होंने युवाओं को रास्ते पे लाने का काम किया, रास्ते पे संघर्ष करने के लिए मजबूर किया। इसके लिए हमारे आमदार आदरणीय रोहित दादा पवार वो 800 किलोमीटर चल के आए हैं और यहाँ से हम लोग अभी विधान भवन के पे जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जो युवा के प्रश्न है, ये सभी लोगों के जो प्रश्न है, काश्तकार का प्रश्न है, तांत्रकदार नौकर भर्ती का प्रश्न है, ये सारे प्रश्न लेके विधान भवन पे जा रहे हैं और हमारी ये मांगनी है कि जो जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो कारोबार चल रहा है वो एकदम दयनीय है, उसके वजह से हम लोग वहाँ पे मोर्चा लेके जा रहे हैं। सदन में चर्चा कम और मोर्चे ज्यादा हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इसका कारण ही ये है कि सत्ताधारियों को ध्यान नहीं है, सत्ताधारियों का ध्यान जनता पे नहीं है, वो अपना सिर्फ सरकार चलाने में मशगूल है, सरकार टिकाने में मशगूल है और किसी भी प्रकार से नागरिकों की तरफ, जनता के तरफ किसी भी प्रकार का सरकार पे ध्यान, सरकार का ध्यान नहीं है। आज शरद पवार जी का भी जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आज बड़े खुशी की बात है, आज साहब का जन्मदिन है, लेकिन उस दिन भी साहब 83 इयर्स के होने के बावजूद भी युवाओं के लिए, काश्तकारों के लिए, यहाँ के हर समाज के तबकों के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार है, आज भी किसी भी प्रकार का जन्मदिन न। कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष धुनेश्वर पेठे, ऐसे कई कार्यकर्ता आए हैं 800 किलोमीटर की जो पूरी युवा संघर्ष यात्रा पूरी कर आज नागपुर में विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में निकाली गई है यात्रा, आज शरद पवार के जन्मदिन के अवसर पर यहां समापित होने जा रही है, देखते हैं आगे क्या है। यह युवा संघर्ष यात्रा नागपुर तक पहुंची, जहां रोहित पवार समेत राहुल पाटिल और स्थानीय नेताओं ने भी इस समय शिरकत की, जहां नागपुर शहर द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष धुनेश्वर पेटे ने संघर्ष यात्रा का स्वागत किया है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष तेमरे की रिपोर्ट।